जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर वॉयल ट्रस ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को संबोधित भी किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस ब्रिज के बनने से उन्हें काफी सहूलियत होगी। जहां पहले वो घंटों घंटों जाम में फंसे रहते थे, वहीं अब वे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकेंगे। लेह लद्दाख जो रोड जाता है या अमरनाथ यात्री जो आते हैं या सोनमर्ग टूरिस्ट जो आते हैं, पूरे देश भर के लोग यहाँ पे आते थे। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे इस बॉयल ब्रिज की वजह से ना बहुत सफ़र कर रहे थे। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज के एलजी साहब से और ख़ासकर यहाँ डीसी साहब जो हमारा है गांदरबल में, उसके भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इसने बहुत ही तेज़ी से इसका जो काम करवाया, बहुत सी सहूलियत हमको लोगों को यहाँ पर मिली है इस ब्रिज की वजह से। बहुत सफ़र करना पड़ता था लोगों को। आज से पहले यहाँ इतना मुश्किल होता है, यानी 2 घंटे ट्रैफिक जाम होता है। इसकी वजह से हमने बाबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि ये कभी नया बनाए, लेकिन गवर्नर साहब एलजी मनोज साहब की वसालत से और सबका एमएलए शेख इशफाक जबा की वसालत से और डीडीसी चेयरमैन नुसरत इशफाक की वसालत से ये कदम तामी हुआ है, जिसका आज ये इनॉग्रेशन हो जाएगा। ब्रिज के निर्माण के दौरान पूरे 3 सालों से लगातार काम कर रहे गुलाम अहमद बताते हैं इसमें उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कारीगरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, कुछ जख्मी भी हुए थे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इसको हर रोज़ इंजीनियर साथ हमको लेवल दिखाते हैं, बहुत मिस्त्री आते हैं मगर उनको बड़ी मुश्किल से वो काम अच्छी तरीके से नहीं आता है। हमने बहुत कोशिश की, मुझे इसमें आज कामयाबी हुई, तो मैं इंशाल्लाह रहमान ये पुल में पूरा काम कर। दरिया का पानी काफी बहाव था, दरिया जबरदस्त पानी बहाव था, तो हम बड़ी मुश्किल से इसको डैमेज, आदमी 2-3 इसमें किसी को जख्मी भी हो गए, मर भी गए हैं। हमने भी बहुत कोशिश किया, तो अल्लाह का शुक्र है आज हम बच गए।